हेलो स्लीक बिल यूज़र, इस वीडियो की हेल्प से आप ये सीखेंगे कि जीएसटी कैलकुलेशन किस तरीके से होता है स्लीक बिल सॉफ्टवेयर में। ऑलरेडी क्लाइंट्स हमने ऐड करके देख लिया है, कंपनी के डिटेल्स हमने ऐड करके देख लिए हैं। अभी जीएसटी कैलकुलेशन के लिए हम एक न्यू इनवॉइस पे जाएंगे, एक क्लाइंट्स से सेलेक्ट करेंगे। ये क्लाइंट्स ऑलरेडी अदर स्टेट से, क्योंकि जो हमारी कंपनी डिटेल्स है वो पुणे महाराष्ट्र का है। हमने एक प्रोडक्ट ऐड किया, एक टैक्स ऐड सेलेक्ट किया और ऐड पे क्लिक किया। ये होने के बाद आप देख सकते हैं जो जीएसटी का कैलकुलेशन हो रहा है वो आईजीएसटी में जा रहा है, क्योंकि जो क्लाइंट है वो हमारा डिफरेंट स्टेट से है। अगर हमारा क्लाइंट सेम स्टेट से होता तो जो कैलकुलेशन जाता वो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी में जाता। ये सेव करने के बाद मैं आपको एक एसजीएसटी और सीजीएसटी का भी ऑप्शन दिखाती हूँ। सो उसके लिए हमको सबसे पहले एक क्लाइंट्स ऐड करना पड़ेगा जो हमारा क्लाइंट सेम स्टेट से हो। तो मैंने एक क्लाइंट लिया सेम स्टेट, ये देखिए। मैंने फिर बोला था वाइल क्रिएटिंग योर, आप मेक श्योर ध्यान रखें जब आपके क्लाइंट्स के डिटेल्स आप ऐड कर रहे हैं या कंपनी डिटेल्स ऐड कर रहे हैं तो सिटी और स्टेट आपको ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में दिए हुए हैं वही सेलेक्ट करने हैं, आपको खुद से कोई भी सिटी और स्टेट ऐड नहीं करने हैं। सेव किया, अभी मैं गई न्यू इनवॉइस पे, क्लाइंट सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, यस पे क्लिक किया। जो कैलकुलेशन आ रहा है जीएसटी का वो सीजीएसटी और एसजीएसटी में आ रहा है। एक और ऑप्शन ऑप्शन था सेल्स। व्हाट इज सेल्स? जो क्लाइंट्स आपके स्पेशल इकोनॉमिकल जोन एरिया में आते हैं सेम स्टेट होने के बाद भी उनका कैलकुलेशन सीजीएसटी एसजीएसटी में ना होने की बजाय आईजीएसटी में होता है। कैसे मैं बता देती हूँ। यह क्लाइंट हमारा पुणे का था, अभी मैं उनको यहाँ से एडिट करूँगी। यहाँ पे सेल्स का ऑप्शन दिया है, सेल्स पे टिक क्लिक करूँगी, सेव करूँगी, क्लाइंट्स ऐड करूँगी, प्रोडक्ट ऐड करूँगी, यस पे क्लिक करूँगी। जो कैलकुलेशन आएगा वो आपका आईजीएसटी में आएगा। प्रीव्यू होने के बाद आप देख सकते हैं जो कैलकुलेशन है जीएसटी का वो आईजीएसटी में आ रहा है, क्योंकि आप क्लाइंट को सेज मीन्स स्पेशल इकोनॉमिकल जोन एरिया में टिक किया है। आई होप इस वीडियो के हेल्प से आपके ये जीएसटी कैलकुलेशन के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी इशू क्वेरी होने से या आप सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहते हैं उससे पहले हमें कांटेक्ट करें। हमारा वेबसाइट है bkcontrol.com, हमारे वेबसाइट में हमारे नंबर्स भी मेंशन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगेन मैं मेरा वेबसाइट रिपीट कर रही हूँ जो कि है bkcontrol.com। थैंक यू।